क्लियर आउट यूर आंकने वो रीअकर होता रहता है लाइक कुछ टाइम के बाद यूल गेट वन टू तो पिंपल्स हेयर एंड देर वो जब तक ठीक होते हैं तब तक एक दो और हो जाते हैं एंड देन देव द स्कार्स बिहाइंड सो आई कीप ऑन ट्राइंग अलॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिससे कि मेरे आंकने की रीअकरेंस रुक जाए देट इज़ माई मेन गोल एंड मोस्टली मैं उसके लिए सैलिसलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स ही यूज करती थी बट देन स्टिल लाइक आई यूज टू गेट वन और टू पिम्पल्स हेयर एंड देर बट देन आई गॉट a product which you are gonna love because i am in love with that product mouse product टू वीक्स से यूज कर रही हूँ एंड आई एम इन लव विद द प्रोडक्ट मेरी एक्ने बिल्कुल रियाकरेंस रुक गई है एंड आई एम एब्सोल्यूटली लविंग द ग्लो दैट इट गिवस टू माई स्किन नाउ इफ यू हर एक्ने ऑफ एनी काइंड चाहे आपको नूड्यूल्स हैं पास्टूल्स हैं सिस्ट है कोमिडोन्स हैं दिस प्रोडक्ट इज गन बी द पर परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू इट इज़ अ सीरम सो ये इफ यू आर ऑल्सो इन ऑयली एक्ने प्रॉस्ट टाइप एंड इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो कीप ऑन वॉचिंग इट टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू टू माई चैनल प्लीज टेक आवर मूमेंट एंड हिट दै रेट Subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. So, this 15 gram bottle is the product that I was talking about. दिस प्रोडक्ट इज गन टारगेट ऑल योर एक्ने प्रॉब्लम दिस इज द फिक्स डरमा एंटी एक्ने फेस सिरम इसको आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो या ऑल ओवर फेस भी यूज़ कर सकते हो मैं कैसी यूज़ करती हूँ वो वीडियो मैं आगे बताती हूँ पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है सो so बेसिकली इस प्रोडक्ट में 11% परसेंट एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स हैं और ये आपके पोर्स को एक्सपोलिएट करता है जेंटली बट डीपली अंदर से एकदम अनक्लॉक कर देता है पोर्स को और सारे जितने भी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है ये एंड इन टर्न इट उनका प्रोडक्शन को रेग्यूलेट करता है एंड आपकी स्किन इन्फ्लोमेशन को भी रिलीव करेगा इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस प्रोडक्ट इज प्रिजर्वेटिव फ्री एलर्जेंस फ्री एल्कोहल फ्री एंड नॉन कमिडोजेनिक तो मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है तो राइट ऑन द टॉप जो मेन इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं आर सैलिसलिक एसिड टू परसेंट एजिलिक एसिड फाइव परसेंट मैंडलिक एसिड फोर परसेंट एंड नायासिनाइड ये चार इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सो जैसे कि आप लोग जानते हो कि सैलिसलिक एसिड इज द ट्राइड एंड टेस्टेड इन्ग्रीडियंट एक्ने के लिए सो वॉट एसिड डज इट वो आपके पोर्स को अनक्लॉक करता है अगर कोई भी डर्ट एंड डेबरस आपके पोर्स में जमा हो गई है तो उसको अच्छे से क्लीन आउट कर देता है ताकि आपके पोर्स क्लॉग ना रहे एंड इन टर्न वो एक्ने में ना कन्वर्ट हो देन द सेकेंड इन्ग्रीडियंट दैट दिस हैज़ इज़ एजलिक एसिड दैट इज फाइव परसेंट नाव एजलिक एसिड हैज एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज तो अगर आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड है एक्टिव आंकने से बहुत ज्यादा रेडनेस है सेंसिटिव हो गई है स्किन इट वर्कस फॉर दैट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं तो जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको किल करता है नीचे डीपली जाके ताकि आपके आंकने की जो रूट कॉज है वो ही क्लियर हो जाए दिस एज फोरसेंट मैंडलिक एसिड विच इज एन एंटी एजिंग एंड नॉन इरीटेटिंग ए एच ए

से वर्क करता है सो राधर देन यूजिंग you आफ्टर यू acne, इसमें वो साथ के साथ ही प्रोसेस होता है तो so जब आपका एक्ने हील हो हो रहा है है, इस प्रोडक्ट से, उसी के साथ साथ आपकी स्कारिंग भी प्रेवेंट हो जाती इवन टोन स्किन एंड एक्ने तो रुक ही जाएगा सो दीज द फोर मेन इन्ग्रीडियंट जो इस प्रोडक्ट में है एंड ऑल द फोर इनग्रीडियंट आर एब्सिल्यूटली परफेक्ट फॉर एन ऑयली प्रोन स्किन टाइप अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये एक टाइट पंप बॉटल में आता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि क्योंकि ये एयर टाइट पम्प बॉटल में आता है तो इसकी जो लास्ट ड्रॉप तक लाइक like आप इसको कितने ही आराम से ऑब्वियसली एक्सपायरी डेट से पहले यूज़ कर लो थ्री मंथ्स आफ्टर ओपनिंग यू हैव टू यूज इट तो तीन महीने तक आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो नीचे तक भी जब तक आप यूज़ कर रहे हो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट एयर टाइट पम्प पैकेजिंग तो पैकेजिंग मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी एंड द कलर थीम इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल लाइक वेरी मिनिमल वाइट है एंड uh, यहाँ पर हल्की सी सिल्वर डिटेलिंग है एंड देन टॉल स्टील का इन कलर सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग इसके आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की स्टैंडर्ड कार्डबोर्ड बॉक्सिंग में आई थी एंड एवरी थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट इज रिटर्न ऑन द बॉक्स इट सेल्ड तो मैं इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करती हूँ आई जस्ट वॉश माई फेस विद एनी फेस वॉश लाइक एनी जेंटल फेस वॉश ट्राई नॉट टू यूज एनी एक्टिव बेस्ड फेस वॉश जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो सो आप कोई भी जेंटल फेस वॉश ले सकते हो एंड जस्ट क्लीन अप योर स्किन वॉश इट अप एंड उसके बाद अप्लाई दिस सीरम अगर आप कोई टोनर यूज करते हो तो वो पहले इसके लगा लेना देन अप्लाई दिस सीरम एंड जस्ट टेक वन टू टू ड्रॉप्स लाइक वन पंप इज मोर देन इनाफ तो आप वन पंप लेके इट ऑन टू योर स्किन लेट इट अब्जो फॉर थर्टी सेकेंड्स एंड देन टॉप इट अप विद मॉइस्चराइजर ना ऑन द वेबसाइट दे से कि आप इस प्रोडक्ट को एवरी डे टू टाइम यूज़ कर सकते हो लाइक ए एम में भी एंड पी एम में भी बट आई वुड रिकमेंड दैट अगेन एज आई ऑलवेज से इफ़ यू आर अ बिगिनर स्टार्टिंग विद एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स I would say just use this product every alternate day, or even like two to three times in a week, will also be enough. बट वंस यू बिल्ड द टॉलरेंस आपकी स्किन एक बार इस प्रोडक्ट की यूज हो जाती है तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली यूज इट एवरी डे इफ योर स्किन इज टॉलरेंट टू ऑल दीज एक्टिव बट आई वुड स्टिल रेकमेंड यू नॉट टू यूज इन द मॉर्निंग टाइम क्योंकि उस टाइम पर हम लोग यूजअली बाहर जाते हैं तो स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है टूवर्ड्स सन वेन यूज ऑल दीज एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स सो बट इफ यू आर स्टिल यूजिंग इट इन द एम रूटीन मेक श्योर टू टॉप इट अप विद गुड लेयर ऑफ सनस्क्रीन And uh, you'll be good to go. So, that is how I like to use this product. Now, the packaging says that it is a spot treatment. तो अगर आपको जैसे मोस्टली सिस्टिक एक्ने इधर चीक्स के साइड पर होता है तो अगर आपको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करना है तो यू कैन जस्ट डैब इट ऑन द अफेक्टेड एरिया बट मैं इसका एक पंप लेके अपने पूरे ही फेस पे लगाती हूँ बिकॉज मेरे तो यहाँ वहाँ रैंडम ब्रेकआउट्स होते रहते हैं कभी भी कभी इधर फोर एड पर हो जाते हैं चीक्स पे हो जाते हैं चिन पर हो जाते हैं तो बेसिकली आई तो अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस एंड इट हैज़ बिन वर्किंग ग्रेट दैट वीज बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस जैसे कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है कहीं पर ड्राई होती है कहीं पर ऑयली होती है तो आप उस हिसाब से इसको स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो नाउ टॉकिंग ऑफ़ द प्राइज ऑफ दिस प्रोडक्ट सो बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज़ फिफ्टीन ग्राम्स and it retails for 565 rupees and it is an amazing product once once you start using this product I don't think you'll need any other product you know for your acne journey but जब आप इसको पहली बार खरीदोगे so make sure you do a patch test आप अपने हाथ में भी इसको patch test कर सकते हो but the best uh, way is to apply this product here and just leave it for one two hours अगर आपको कोई भी ऐसा reaction feel नहीं हो रहा है then your skin is uh, like

एंड मुझे क्वेश्चंस आए थे एक्ने मार्क्स स्कार्स को लेके भी तो लाइक like, अगर आपके एक्टिव एक्ने नहीं है एंड यू डों वॉन्ट यू सैलिस एसिड एंड ऑल दीज एक्टिव्स जो इस प्रोडक्ट में है यू जस्ट वांट अ प्रोडक्ट जो कि आपकी यू नो स्पेसिफिकली स्कारिंग को टारगेट करेगा तो आई हैव अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर दैट ऑल्सो बट यू नीड टू स्टेट फॉर दैट वीडियो इट विल भी कमिंग नेक्स्ट वीक सो येस आई होप यू लाइक टू डेज वीडियो एंड फाउंड इट हैल्पफुल एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर काइंड ऑफ वीडियो देट वॉन्ट मी टू मेक आई विल डेफिनेटली डू सो एंड इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी टू तो डेफिनेटली चेक दट आउट एंड येस इफ यू हेम नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट प्लीज़ टेक आउट अ मोमेंट हिट दै रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट डू इट सो दैट आई प्रोडन यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ आई विल सी यूर सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दैन स्टेटे सेफ स्टे हेल्थी बाय बाय e aí